यस जोएल भाई, आपने बोला कि आप एडम जोकर को सपोर्ट करते हैं, तो क्या आप ये मानते हैं कि ये डबल स्टैंडर्ड से कि कुरान में अगर कोई वर्ड नहीं है हरामजादा करके, लेकिन बाइबल में हरामजादा लिखा हुआ है, बास्टर्ड लिखा हुआ, आप ये मानते हैं ना बाइबल में बास्टर्ड लिखा हुआ है? चलिए, आपकी आवाज क्लियर है, आपके पीछे बैकग्राउंड में भी आवाज क्लियर है, आप ये बता सकते हैं कि ये डबल स्टैंडर्ड है या नहीं, कि बाइबल में अगर बास्टर्ड हरामजादा वर्ड है तो क्या एडम जोकर को ये पता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अब आप एडम जोकर को एज अ सपोर्टर बता रहे हैं, आप उसके फैन है, आपके हीरो है वो, सो डिफेंड योर हीरो भाई, आप अपने हीरो को डिफेंड करें। सोई भाई, इसमें दोनों के अंदर डिफरेंसेस है। देखो, कुरान का जो अल्फाज है और बाइबल का जो अल्फाज है, मैंने जो क्वेश्चन किया आपने नहीं सुना जोएल भाई, मैंने जो क्वेश्चन किया आपने सुना नहीं। कुरान में हरामी वर्ड नहीं है, पहला बात सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए। मैंने आपसे पूछा कि अगर मान के चलते चलिए है भी, तो क्या बाइबल में है और बाइबल को आप मान रहे हैं, और ये क्या डबल स्टैंडर्ड्स दोगलापन नहीं है एडम जोकर का? आप मुझे बताइएगा। आप ये अगर है भी, चलिए अभी नहीं है उसको मैं साबित करूंगा, लेकिन अभी है, चलो अभी मान के चलते है, फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान के चलते है, तो क्या इज ही नॉट अ पर्सन विद डबल स्टैंडर्ड्स? क्या वो एक इंसान जो कि दोगलापन के साथ है, क्या वो नहीं है? चलिए आप हमको साबित कीजिएगा। देखिए, अगर नहीं है तो ये डबल स्टैंडर्ड है, आपकी बात को मैं मानता हूँ। अगर नहीं है तो नहीं है, अगर नहीं है क्या आप बोलना चाह रहे? क्योंकि है तो बाइबल में मैंने रेफरेंस दिखाया है, बुक ऑफ डिट्रोनोमी चैप्टर नंबर 23 वर्स नंबर 2, बास्टर्ड वर्ड लिखा हुआ, हरामी, हरामजादा वहाँ लिखा हुआ बाइबल के अंदर। जी बाइबल, बिल्कुल 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 बिल्कुल। सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूं, है क्या वर्ड है, क्यों है, किस वजह से लिखा हुआ है, ये मैंने है या नहीं है, क्योंकि उसने टाइटल डाला है कि कुरान में है, आप है कि नहीं है, मान रहे ना है, तो ये डबल स्टैंडर्ड हो गया। किसने इस्तेमाल किया, किसने बोला बाइबल में, किसने, कौन बोलेगा बाइबल में, कौन बोलेगा? सुनिए ना जी भाई, सुन रहा हूँ। नहीं, आपको अभी तक मैं क्या बोल रहा हूँ मालूम है? बाइबल के अंदर और कुरान के अंदर जो बोलने वाला है, अगर खुदा बोल रहा है ना, खुदा इस्तेमाल कर रहा है शब्द को, तब दोनों डबल स्टैंडर्ड हो जाएगा, क्योंकि बाइबल का खुदा भी अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है और कुरान का भी खुदा इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन इनको इतराज, अगर कुरान का खुदा बोल रहा है करके एतराज करते ना, तो यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड हो जाता है, कोई भी इंसान हो, एडम हो या मैं हूँ, तो वो एड्रेस। चलिए, तो आपने एक्सेप्ट कर लिया, बहुत खुशी हुई मुझे ये मान के कि आपने एक्सेप्ट किया कि एडम अगर एतराज करा तो वो गलत है, उसने डबल स्टैंडर्ड्स किया, ये अच्छा बात है। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल है ना। हाँ, तो वो एक वो अभी आपका हीरो से, अभी आपका हीरो एक ऐसा शख्स हो गया जो कि डबल स्टैंडर्ड्स वाला इंसान है, समझ गए आप? आपके हीरो जो है वो डबल स्टैंडर्ड्स वाला इंसान हो गया आपके, मतलब के डिसीजन के हिसाब से। तो अब आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं क्या बोल रहा हूँ नहीं समझ पा रहे, मैं ये बोल रहा, आपका एक आवाज कट रहा है, नहीं आ रहा, आप अपने आवाज को क्लियर करके फिर से आप एक बार आइएगा और हमको ये बताइएगा, आप अपने आवाज को सही कर लीजिए, आप फिर से आइएगा और फिर से एक बार बताइए कि एडम सीकर को हम लोग डबल स्टैंडर्ड्स क्यों नहीं माने। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक जरूर पहुंचे।